प्रतियोगी छात्र हैं और साथ ही छात्रों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक के जरिए समझ पाएंगे हम कि किस तरह बेरोजगारी की ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है। आपके छात्र वो पढ़ाई लिखाई करें, किस तरह से फॉर्म भरें, किस तरह से उनके सामने जो रिक्त पद हैं उनको भरने की, वहाँ पर नियुक्ति होने की पूरी प्रोसेस पता चले, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या समस्याएँ आती हैं छात्र के साथ में? वो छात्र जो सरकारी एग्जाम क्लियर करने के लिहाज से जो योग्यता परीक्षा देता है। इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, उसने हमें अपनी बात रखने का, अपने चैनल का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रदेश में दो तीन बड़े विभाग हैं जिससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस भर्ती, उसके लिए एक अलग विभाग है पुलिस भर्ती उन्नति बोर्ड, जिसका काम ही यही है कि वो पुलिस की भर्ती करे और देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सुधार। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत एक दशक में मात्र उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती है जो कंप्लीट हो पाई है, और वो भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में कंप्लीट हुई थी। 2016 में दरोगा के पद जो निकले थे वो पद आज भी कोर्ट के सामने है। अभी तक 2016 से एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा से नहीं निकली गई है, और ये आलम तब है जब 2017 में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने एक हलफनामा दिया था और ये कहा था लॉ एंड ऑर्डर के समय में, जब वो सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा था कि हम हर साल 3200 पदों को भरने का काम करेंगे। आपको जान के आप लोगों को हम बता दें कि प्रदेश में एक थाने का भारसाधक अधिकारी ही FIR लिखने का कार्य करता है। अगर देश में अगर दरोगा भर्ती नहीं होगी तो उसका असर हम बेरोजगार पे तो पड़ेगा है। हम दो तरह से मारे जा रहे हैं, एक हम देश की सेवा करना चाहते हैं और ये पद ही नहीं भरना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, वहां पे हलफनामा देने के बाद भी ये नहीं भरना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा विभाग है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो विभाग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसमें तो हम बता दें आपको कुल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद कुल पद 86 है, जिसमें 56 पद खाली पड़े हैं। 86 में से 56 खाली पड़े हैं। 86 पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद के हैं, जिसमें क्लरिकल है, जिसमें परीक्षा कंट्रोलर है, बड़े बड़े विभाग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत जब से ये आयोग तक, मतलब जब से ये गवर्नमेंट जब से ये आयोग बना था, उसमें 2018 में सीवी पालीवाल जी ने अध्यक्षता ग्रहण की है। 38,000 की 48,000 के आसपास हजारों में संख्या पद खाली है, जिसकी लगातार सूचना हमको पेपर के माध्यम से और जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पेपर में आए दिन आती है। आज के पेपर में भी आया था कि इतने पद खाली है, शासन से अनुमति मिलते ही भरा जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये 2019 में जब दूसरे हमारे आए थे प्रवीर कुमार जी, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद से एक भी जितनी भी भर्तियां हैं किसी का कब इसकी ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में भी कोई नहीं है। क्यों लटकती है वो सारा ये डेटा फिल करके जितनी भी वैकेंसियां खाली हूँ उसको आप तुरंत नियुक्त करिए, और किया भी जा रहा है। सेवा चयन आयोग में 2017 से 2020 तक 22 भर्तियां अभी तक लंबी पड़ी हैं। 2017 से लेकर 2020 तक वो आयोग जिसके दम पर उत्तर प्रदेश का करोड़ों नौजवान अपने घर से 4 साल 2 साल 6 साल दूर रहकर नौकरी की तैयारी करता है, एक अदना सी नौकरी के लिए 4-4 साल 6-6 साल तैयारी करता है, उसके माँ बाप खेत गिरवी रख के गहना गिरवी रख के उसको पढ़ाई करवाते हैं। उस आयोग में 2017 से लेकर 2020 तक 22 भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 भर्तियों में 11,000 पद निकाले गए थे और 51 लाख नौजवानों ने किया था 11,000 पदों के लिए।
लोग